उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र साती रोड उत्तम नगर सैली गली नंबर 3 अपने मकान में अकेली रह रही वृद्धा को अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से काट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पड़ोसी ने अपना गेट खोलकर अपनी स्लीप पर बैठा हुआ था, तभी अचानक पड़ोस में से बदबू आने लगी। जब पड़ोसी ने मोहल्ले वासियों को बताया कि इस मकान से बदबू आ रही है, मकान का ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने बताया कि 10 से 11 तारीख में दो व्यक्ति यहां आए थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी शादी समारोह में से आए हुए हैं और दोनों व्यक्ति वृद्धा सुखदेवी के घर में रुक गई। बताया जा रहा है कि मृतक सुखदेवी के मकान से बाहर से ताला लगा हुआ था। सूचना देने पर थाना रामगढ़ पुलिस ने मौके पर आकर किसी तरह ताला तोड़ पाया और वृद्धा सुखदेवी पति सुबेदार उम्र 60 वर्ष आंगन में चारपाई पर लुहान की अवस्था में मृतक पड़ी मिली। मृतक वृद्धा सुखदेवी की बॉडी से इतनी बुरी तरह बदबू आ रही थी कि देखने वाले मोहल्ला पड़ोस के लोग अंदर घुस नहीं पा रहे थे। पता लगाया जा रहा है कि सुखदेवी की 4 पुत्रियां थी। एक पुत्री सबसे छोटी गीता अपनी मां मृतक सुखदेवी के पास अभी तक नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि ऋतिक सुखदेवी ने कुछ दिन पहले 1-2 बीघा जमीन बेची थी। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची रामगढ़ पुलिस ने जायजा लिया और घटना स्थल पर पहुंचे एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह एवं सीओ सिटी इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि मामले में हत्या की साजिश रखी गई है। यहां जांच करने के बाद ही जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल बॉडी को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम गृह में पहुंचा दिया है। फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, एसके न्यूज। क्या नाम है आपका? रिंकू सर। जी सर, इन्हें 1.5 महीने पहले बेचा था खेत, और छोटी वाली लड़की रहती है इनके साथ में। अब ये यहाँ पूजा सर, वो दमान तो उन्होंने छोड़ दिया, उसका केस चल रहा था। हाँ, उन्होंने छोड़ दिया था उसका। तो वो सर अभी गली वाले बता रहे थे कि 15 दिन से उसका अभी नहीं पता है। पूजा का सर, हाँ वो एक फतरुआ वाले के साथ हुआ था, उसके साथ केस चल रहा है सर पूजा का। अब ये नहीं, बेटा बेटा कोई नहीं है, नहीं बेटी है केवल। हाँ, जो डोकरी खत्म हुई है मेरी सास, उनका एक लड़का है पहले वाला। मेरे पास सर अभी 1 घंटे पहले फोन गया था यहाँ से ही कि तुम्हारी सास खत्म हो गई है, किसी ने मार दिया उनको। हाँ सर, आपको क्या पता लगता है? वो हत्या ही दिख रही है सर उनके। क्या नाम था इनका? सुखदेवी। कितनी उम्र होगी लगभग? लगभग होगी 60 साल करीब होगी। आप कौन से नंबर वाले? दूसरे नंबर का सर। आप अगले वाले? दुगुना। आपका नाम क्या है? रिंकू। पिताजी का नाम? ज्ञानालाल। शोर है तो आ रहा है। रामगढ़ में ये तो मैं पहले ही मैं आपको बताऊं क्या मामला है। ये आज डायल 100 की सूचना पे इंस्पेक्टर रामगढ़ मौके पे पहुंचे हैं, तो देखा एक घर के बाहर ताला लगा हुआ था और उसके अंदर से बदबू आई थी। फिर ताला तोड़ के देखा गया तो उसमें एक करीब जो मोहल्ले वाले बता रहे हैं उसकी उम्र 60-62 साल की है महिला सुखदेवी, वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उनकी बाकी जो पुलिस कार्रवाई है की जा रही है। उसमें मामला क्या बताया जा रहा है? क्या की गई है? हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि डेड बॉडी अंदर थी और बाहर से ताला लगा हुआ था। खुल गया, खुल गया, खुल गया। संपूर्ण भारत में आरटीओ रजिस्टर्ड बैटरी चलित रिक्शा मणि ई रिक्शा। हमारे यहाँ स्कूटी, सवारी रिक्शा एवं लोडर रिक्शा मिलते हैं। विशेषता, एक बार बैटरी चार्ज करने पर 100-140 किलोमीटर चलता है, वो भी 14 महीने की वारंटी के साथ। 24 ट्यूब कंट्रोलर, न धुआं, न प्रदूषण, न परेशानी, न आवाज। शहर की सड़कों पर होगा मेहनत कम, खर्चा कम, कमाई ज्यादा। अलग से फाइनेंस की सुविधा। सब डीलरशिप के लिए संपर्क करें मणि ई रिक्शा। प्रोपराइटर आदेश कुमारी गोविंद सिंह आर्य। हमारा पता है PWD गेस्ट हाउस, करहल रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9457626299, 9411046311। धन्यवाद।